आज के समय में प्रत्येक घर पर बीपी मशीन होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम इलेक्ट्रिक बीपी मशीन के बारे में बात करेंगे। आप घर पर बीपी मशीन से बीपी किस तरह से यूज कर सकते हैं और आपको बताएंगे रिव्यू करके कि आपको किस तरह से इसको सेटअप करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। ये मेरे हाथ में ओमरान की बीपी मशीन है। इसमें इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अपनाई गई है। ये ओमरान का ब्रांड दिया गया है। ये बताया गया है ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। इस बीपी मशीन को आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल ऐप पर जाकर आप ओमरान कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके आप इस जो आपकी डेली की मॉनिटरिंग है आप उसको सेव करके रख सकते हैं। इसमें 5 ईयर की वारंटी दी गई है। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इस बीपी मशीन को किस तरह से यूज करना है। ये कुछ मैनुअल हैं। ये हमारी रही बीपी मशीन और ये इसका कप है जिसे पट्टा बोलते हैं इसको। चलिए बीपी मशीन को देख लेते हैं। ये रही हमारी बीपी मशीन। इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है और इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, ब्लू एंड वाइट। ये इसका स्विच है स्टार्ट एंड स्टॉप, इसको चालू बंद करने के लिए इसका बटन दिया गया है। चलिए इस बीपी मशीन को सेटअप कर लेते हैं और मैं बताता हूँ उसको किस तरह से यूज़ करना है। ये इसका ईयर जैक है और उसको कनेक्ट करके मैं बताता हूँ इसके यहाँ से इसको कनेक्ट कर लिया है। ये कप है मेरे हाथ में और मैं बताता हूँ इसको किस तरह से इसको कप को यूज़ करना है। जो कप का पाइप है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरह से इसको लगाना है, इसको टाइट कर लेना है और ये मैं बताता हूँ आपको इसको ये स्टार्ट कर दिया। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अपनाई गई है जिससे कि आप किसी भी स्थिति में हिलने डुलने में या फिर खड़े भी हैं या फिर किसी भी स्थिति में आप बीपी लेते हैं तो आपका बीपी बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इसमें बीपी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिस्टोलिक ये बताता है आपको ऊपर वाला बीपी कितना है। ये डायस्टोलिक ये नीचे वाला बीपी बताता है कि आपका नीचे वाला बीपी कितना है। और ये पल्स रेट है जो हार्ट रेट जिसको बोलते हैं वो है यहाँ पर। ये बताती है कि आपकी हार्ट रेट क्या है। मैं बता दूँ आपको ऊपर वाला बीपी 120 होने चाहिए और नीचे वाला बीपी जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होने चाहिए और पल्स रेट मिनिमम 72 होने चाहिए। ये हार्ट रेट ऊपर नीचे होती रहती है या 60 70 80 90 तक भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये यदि इससे ज़्यादा बढ़ती है 100 120 130 जाती है तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है जिसके कारण आपको घबराहट होने लगती है, जो आपकी दिल की धड़कनें धक 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 करने लगती है। वैसे नॉर्मल तरीके से हार्ट रेट धक 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 इस स्पीड से चलती है और वैसे उम्र के हिसाब से बीपी बढ़ता रहता है। जैसे कि अगर आपकी भी उम्र 35 40 50 60 पे पहुंचती है तो आगे यदि आपका बीपी 130 135 140 भी पहुंचता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, उम्र के हिसाब से बीपी बढ़ जाता है। आप इस बीपी मशीन को घर पर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस बीपी मशीन की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस बीपी मशीन की जो रीडिंग है वो बहुत ही अच्छी है। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।